आज मैं आपको वेबफिल की फ्लैक्सी मक्स के बारे में बताऊंगा। ये प्राइमरी पीडी मक्स है, प्राइमरी डिजिटल मक्स है। इसको हम 64 के बीपीएस के चैनल्स और डाटा का वॉयस चैनल ENM चैनल चलाने के लिए या एक्सचेंज के नंबर्स को एक्सटेंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 स्लॉट्स हैं, जिसमें चार स्लॉट्स हैं वो डेडिकेटेड हैं। वो स्लॉट्स हैं पावर सप्लाई कार्ड, जो एक DC to DC कन्वर्टर है, और इसमें आप देख पाएंगे ये टॉगल स्विच है, इसे ऑन ऑफ किया जाता है, और इसको हम बोलते हैं रिडंडेंट पावर सप्लाई है। हम चाहे तो दोनों को ऑन रख सकते हैं या वन बाय वन भी ऑन कर सकते हैं। ऐसा कि प्रैक्टिकली देखा गया है प्रैक्टिकल में कि अगर हम दोनों ऑन रखते हैं लोड शेयर हो जाता है, बट एक पावर सप्लाई कार्ड अगर ख़राब होती है तो दूसरी भी उसी के साथ ख़राब हो जाती है। तो ज़्यादातर सेक्शन में हम एक को ऑफ रखते हैं, जबकि कंपनी के द्वारा इस तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्रैक्टिकल तजुर्बा है। और इसके आगे दो डेडिकेटेड स्लॉट्स हैं DC to DC कन्वर्टर, और इसके बाद हमारे पास है ये आपका एक निम कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस मॉड्यूल निम कार्ड है। ये कार्ड है जो इस आपके मक्स का पूरा डाटा रखता है। इसमें सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी इन दोनों में होता है। इसने कौन से क्या क्या परफॉर्म करना है, सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि सारे अलार्म हैं, रिसीव वन, AIS, लॉस, रिमोट, ये सारे अलार्म्स दिए गए हैं, जैसे कि इसमें जो भी कोई दिक्कत आती है तो उसको शो करने के लिए। इसके अलावा ये आपका और भी इंडिकेशन दिए गए हैं, NMS अगर काम करता तो ये दिखाई देता है, और ये आपके रिमोट अलार्म है, ये सारे अलार्म्स इंडिकेशंस हैं। और इसके बाद दूसरा ये मेन कार्ड है जो हार्ट ऑफ द सिस्टम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ये दिस इज़ द हार्ट ऑफ द सिस्टम। ये हार्ट ऑफ द सिस्टम है, ये इसी के अंदर सारी प्रोग्रामिंग होती है, सारे कुछ डिफाइन किया जाता है। इसके बाद दूसरा कार्ड आता है, ये इस कार्ड का नाम है ट्रिब्यूटरी कार्ड है। जैसे कि वेबफिल की फ्लैक्सी मक्स है, उसमें हम LPC का काम लेते हैं, तो इस ये भी उसी तरह काम करता है, आपका प्रोटेक्शन देने के लिए, ईवन की प्रोटेक्शन देने के लिए इस कार्ड को हम इस्तेमाल करते हैं, ट्रिब्यूटरी कार्ड कहते हैं इसको। और इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि सिस्टम ओके, सारी ये जितने अलार्म्स हैं इसमें, जब ये चलता रहता है सिस्टम ओके का चलता रहता है, अगर कोई दिक्कत है तो इसके अलार्म आता है। इसके अलावा इसमें जितने और भी कार्ड्स हैं सब इंटरचेंजेबल हैं, यूनिवर्सल स्लॉट्स हैं, इनको बोलते हैं यूनिवर्सल स्लॉट्स। ये कार्ड इसमें लगाई जा सकती है, ये वाली कार्ड कहीं भी लगाई जा सकती है, और इन कार्ड्स के साथ देखा गया है कि यहाँ पे चाइल्ड मॉड्यूल कार्ड लगते हैं इसमें, जैसा कि इसमें अभी इसमें दिखाया नहीं, इसमें इस कार्ड में हम बेबी कार्ड लगाते हैं, मॉड्यूल कार्ड लगाते हैं, जिससे कि एक ही कार्ड से कई तरह के सर्किट हम चला सकते हैं, जिसमें ENM सर्किट है, आप G703 V35 मॉडल लगा कर हम चलाते हैं। इसमें भी 64 के UPS का G703 है। ये जितने भी कार्ड्स हैं ये सभी एक दूसरे में चेंजेबल हैं। इनके अंदर जो बेबी कार्ड लगता है, जो जिसे चाइल्ड कार्ड हम कहते हैं, जिसके उसको चेंज करने के बाद उसको चेंज करके हम सर्किट को चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल सर्किट बना सकते हैं, एक्सचेंज की सर्किट बना सकते हैं, डाटा की सर्किट बना सकते हैं, और अन्य जो भी एप्लीकेशन इसकी है वो कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा है, ये फ्लैक्सी मक्स इसीलिए नाम दिया गया है कि चार नंबर स्लॉट के बाद ऑल स्लॉट्स आर
चार स्लॉट्स के बाद आल स्लॉट और इन्वर्सल एक दूसरे को लगाया जा सकता है और चार तरह के एक कार्ड से चार तरह का सर्किट चलाया जा सकता है, जबकि वी बॉक्स 100 में ऐसा प्रोविज़न नहीं है। तो इसके पीछे ये मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के साथ एक सारे कार्ड लगाए जाते हैं और इसको 48 वोल्ट डीसी से ये सिस्टम काम करता है। तो एक एक मोटा मोटा ओवरव्यू है जिससे हम एक इवन इसको एक इवन इसको देने के बाद एक इवन पे काम करता है। इसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए हम दूसरा पास प्रोटेक्शन देने के लिए और इवन हम देते हैं इसमें, जिससे कि हमारा सिस्टम प्रॉपरली चलता रहे। एक इस तरह का ये काम करता है। थैंक यू वेरी मच।